नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंडिट क्वीन की, यानी फूलन देवी की। फूलन देवी एक भारतीय डाकू थी जो बाद में एक नेत्री बन गई, जो बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाती थी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के धूरा नामक एक बहुत ही गरीब मल्हा परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में उनके दादा के निधन के बाद उनके पिता और बड़े भाई परिवार के मुखिया बने। आपको बता दें कि फूलन देवी ने महज 15 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। उनके साथ कुछ लोगों ने उनको जबरन अगवा किया और उनके साथ कथित तौर पर रेप किया। साथ ही उन्हें कुछ दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। अपने साथ हुई इस घटना का न्याय पाने के लिए फूलन देवी दर दर भटकती रही, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला। फिर मजबूरन फूलन को बंदूक उठाना पड़ा। इसके साथ ही उनके चाचा ने उनकी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया और उनकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में ही उनसे कई साल बड़े एक दूर दराज के पुतली लाल से करा दी। फूलन इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कराई गई। पति द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद फूलन देवी अपनी जान बचाकर वापस अपने घर आ गई। और घर वापस आने के बाद फूलन ने अपने पिता के साथ मजदूरी के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। फूलन देवी के साथ यह हादसा खत्म ही नहीं हुआ था कि इंसाफ के लिए दर दर भटकती फूलन देवी के ऊपर कुछ और डकैतों ने हमला कर दिया। उन्हें अपने साथ उठाकर ले गए और उनके साथ जबरन रेप किया और कुछ सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात विक्रम मल्हा से हुई, जिसके साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं की एक अलग गैंग बनाई। फिर क्या था, फूलन देवी अपने साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने के लिए साल 1981 में 22 आरोपियों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से उनको छलनी कर दिया, जिसके बाद गाँव से लेकर पूरे चंबल घाटी में फूलन देवी के नाम का डंका बजने लगा। इस पूरे कारनामे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फूलन देवी को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और साथ ही कुछ धनराशि देने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पुलिस टीम ने फूलन देवी को पकड़ने में नाकाम रही। डकैतों की गैंग में फूलन देवी उस समय की अकेली महिला थी। साल 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए कहा और उनकी बात मानकर फूलन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन फूलन ने सरकार से कुछ अपनी शर्तें भी मनवाई, जिसमें उन्होंने अपने साथियों की मृत्यु दंड देने और गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक सजा न देने की बात कही, जिसे सरकार ने शांतिपूर्वक स्वीकार भी कर लिया। फूलन 11 साल ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक साधारण कैदी के रूप में बंद रही, जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी। सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव द्वारा सक्रिय रूप से राजनीति में लाया गया था। 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी ने दूसरी शादी उम्मेद सिंह नामक एक व्यक्ति से की और बौद्ध धर्म में प्रवर्तित हो गई। फूलन ने 1996 से 1998 तक एक सांसद के रूप में कार्य किया। इसके बाद वह 1998 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही सीट से हार गई, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में फिर से चुनी गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के आवास के बाहर कुछ लोगों द्वारा उनके सर, छाती, कंधे और दाहिने हाथ पर 9 बार गोलियां चलाई गई। आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए और फूलन देवी का अंत हो गया। इसी के चलते फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन 1983 में बनाई और इस फिल्म ने फूलन देवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान दिलाई। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।